जी नमस्ते शर्मिला दीदी। नमस्ते जी नमस्ते भैया। नमस्ते। तो अगला सत्र शर्मिला दीदी लेंगे। मैं शर्मिला दीदी को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। डॉक्टर शर्मिला अस्थाना जी हैं, और जो कि डॉक्टर हैं और काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं, और लेकिन अभी वो पूरी तरह से होलिस्टिक हेल्थ पर और इस स्वास्थ्य को लेकर एक कोर्स भी डेवलप हो रहा है, तो इस पर काफी सारा फोकस वो कर रही हैं। राजुल अस्थाना सर की वाइफ हैं शर्मिला दीदी, और काफी लंबे समय से यूएचवी के साथ जुड़ी हुई हैं। तो अब अगला जो सत्र है समृद्धि और स्वास्थ्य, उसके ऊपर चर्चा शर्मिला दीदी करेंगे। आपका स्वागत है दीदी। थैंक यू भैया। नमस्ते सभी को। तो अब हम स्वास्थ्य की बात थोड़ी सी शुरू करेंगे। स्वास्थ्य सिर्फ स्वास्थ्य ही नहीं, समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों की बात करेंगे। तो आपने सुबह से ये जो सत्र हुए हैं अब तक, भानु भैया जो ले रहे थे, आपने सुना कि कैसे जो मानव है उसमें मैं और शरीर दोनों का एक सह अस्तित्व है। और जस्ट पिछले सत्र में आपने सुना कि मैं में व्यवस्था क्या है, सेल्फ के अंदर हार्मनी क्या है। तो अब हम आगे उसी बात को बढ़ा रहे हैं कि मैं कि जो शरीर के साथ व्यवस्था है वो क्या है, जो सेल्फ का बॉडी के साथ जो हार्मनी है उसको देखेंगे, और उसी के तहत समृद्धि और स्वास्थ्य दोनों की बात हो पाएगी। तो इस पे तो मैं ज्यादा समय नहीं बिताऊंगी, ये सुबह आप सब इसके थ्रू गुजरे ही हैं। आपने सबने ये बात सुनी कि कैसे मैं और शरीर दो अलग वास्तविकताएं हैं। मैं चैतन्य इकाई हूं और जो शरीर है वो एक जड़ इकाई है। इसमें हमने देखा कि जो मैं की आवश्यकताएं हैं वो निरंतर हैं। हम निरंतर सुख चाहते हैं, हम निरंतर समृद्धि चाहते हैं, और मैं में जो क्रियाएं हैं वो भी निरंतर हैं। जब हमने जड़ की बात करी तो हमने देखा कि जड़ की जो 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 शरीर है, जो जड़ है, उसकी आवश्यकताएं सुविधा की हैं और ये सामयिक हैं। इसके कई उदाहरण भानु भैया से आपने सुने। तो इससे हमें ये मालूम हुआ कि जो मैं हूं, मेरे मानव होने के केंद्र में कौन है, तो मैं हूं, सेल्फ। और जो ये शरीर है उसको मैं एक साधन की तरह यूज करता हूं या करती हूं। तो मेरी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करने के लिए बाहर से जो भी मेरे इंटरैक्शन है इस पूरी प्रकृति के साथ और दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के साथ, तो वो मैं शरीर के थ्रू पूरा करती हूँ। तो शरीर मेरा एक साधन है। हमने ये बात करी कि जो मैं हूँ, मैं के अंदर जो सुख की आवश्यकता है वो भाव से पूरी होती है, जैसे विश्वास का भाव, सम्मान का भाव। इसी तरह मैं में एक संयम का भाव भी है। जिस मैं में समझ होगी उसमें एक संयम का भाव भी होगा। तो ये संयम का भाव क्या है, सेल्फ रेगुलेशन का भाव, ये है शरीर के प्रति एक जिम्मेदारी का भाव। किस चीज की जिम्मेदारी? क्योंकि शरीर मेरा साधन है तो शरीर के पोषण का, संरक्षण का, सदुपयोग का, इन सब की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो जब मेरे में ये जिम्मेदारी का भाव आता है
तो इसे हमने संयम का भाव कहा। और जब मेरे में ये संयम का भाव है तो इससे क्या होगा, ये अजय भैया अभी एक कुछ पोल है क्या, पोल ने जी दीदी एक पोल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ एक मिनट जी। जी दीदी अभी कोई पोल नहीं है, अभी कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा ठीक ठीक। तो जब मेरे में ये संयम का भाव होता है और मैं शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग की जिम्मेदारी लेती हूँ, तो शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। अब स्वस्थ रहने का क्या मतलब है, तो जो भी मैंने शरीर से कहा करने को तो शरीर कर पाया। तो मैंने कहा शरीर से कि भाई उठो कूदो तो वो कूद सका। तो जो मैंने काम दिया शरीर को, शरीर मेरे अनुसार वो काम कर पाया, तो वो तभी हो सकता है अगर शरीर स्वस्थ हो। नहीं तो हम ना कहीं पर कुछ सूजन हो या कहीं दर्द हो तो फिर शरीर नहीं कर पाता जो हम चाहते हैं। तो जब शरीर स्वस्थ रहेगा तो ही वो कर पाएगा। तो ये एक भाग हुआ। दूसरा भाग ये हुआ कि शरीर के जो भी सभी अंग प्रत्यंग हैं वो आपस में एक साथ एक व्यवस्था में हो। तो ये दो जब चीजें होंगी तो हम कहेंगे कि हमारा शरीर स्वस्थ है। अब इसमें अगर देखें, जो भी हम शरीर के प्रति जिम्मेदारी लेते हैं उसके लिए हमें कुछ सुविधा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे जब हमने कहा शरीर का पोषण करना है, तो पोषण करने के लिए हमें खाना खाने की जरूरत है, उसके लिए कुछ सुविधा, यही सुविधा हुई ना, जो हम खाना खाएंगे, चाहे हम कोई भी सब्जी हो, फल हो, चावल हो, गेहूं हो, जो भी हो, तो इन ये सब सुविधा का की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह हमने अगर शरीर का संरक्षण करना है, कुछ ना कपड़े पहनना है, वो भी सुविधा हुई। सदुपयोग करना है शरीर का, जैसे हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, बहुत दूर जाना है, तो चल चल के जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, शरीर थक जाएगा, तो उसके लिए ताकि हम शरीर का सदुपयोग कर सकें, हम कुछ वाहन का इंतजाम करते हैं कि भाई उससे हमारा शरीर इतना थके नहीं। ये और बात है कि आजकल हम दूसरी डायरेक्शन में जा रहे हैं और बिल्कुल ही शरीर को चला ही नहीं रहे हैं, तो स्वास्थ्य उससे भी बिगड़ रहा है, वो और बात है। तो इस प्रकार सुविधा की कुछ आवश्यकता है वो हम देख सकते हैं। और इस आवश्यकता की जो मतलब जो हम इसको देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये एक निश्चित आवश्यकता है, इसकी एक सीमित आवश्यकता है, लिमिटेड क्वांटिटी में ये चाहिए, तो इसको हम पहचान सकते हैं। तो जैसे भोजन की बात जब करी तो उसकी क्या मात्रा, तो जितना हमें भोजन चाहिए शरीर के पोषण के लिए उसकी एक सीमित मात्रा होगी कि नहीं, या असीमित मात्रा होगी, तो आपको क्या लगता है, इसको आप चैट में रिप्लाई कर सकते हैं, सीमित होगी इसकी मात्रा या असीमित होगी। तो जैसे किसी को, हाँ इधर आप पोल में रिप्लाई कर सकते हैं कि किसी को एक रोटी की जरूरत होगी, कोई दो रोटी खाता होगा, कोई चार रोटी खाता होगा, कोई दस रोटी भी खाता होगा, कोई ऐसा भी है जो अनगिनत रोटी खाता हो, असीमित हो सकता है क्या? इसी तरह कपड़ा हो, मकान हो, शरीर के संरक्षण के लिए, उसकी मात्रा सीमित होगी या असीमित होगी? जो अन्य वस्तुएं जिनकी जरूरत हो, इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत हो शरीर का सदुपयोग करने के लिए, उनकी मात्रा सीमित होगी या असीमित होगी, क्या लगता है आपको?
ये पोल में जो क्वेश्चन है, आज स्वास्थ्य समस्याओं के अधिक होने का कारण है, शरीर के साथ साथ समस्या है या स्वयं के साथ समस्या, ये पोल खैर आप आंसर कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पोल भी था इधर ही, बट ठीक है ये आप दीदी कुछ हैंड रेज भी हैं। जी जी आप प्रश्न ले सकते हैं। जी 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 एक सेकंड, मेरा मुझे दिख नहीं रहा यहाँ पे आप। तृप्ति शर्मा जी, हाँ जी, नमस्ते शर्मिला जी। नमस्ते नमस्ते शर्मिला जी, मेरा सवाल ये है, वैसे तो अधिकतर जो समस्या है शरीर के साथ है जब कोई काम करने में असमर्थ है, लेकिन मैंने ये देखा है कि कई लोगों के साथ स्वयं के साथ में भी समस्या होती है, मतलब उनका मन कुछ ऐसा होता है कि कभी उन्हें लगता है सर्दी हो गई, कभी उन्हें गर लगता है गर्मी हो गई, सर्दी हो गई देन तुरंत चाय पी ली, अब हमें गर्मी हो गई तो उन्होंने लस्सी पी ली। मैंने इस तरीके के लोग भी देखे हैं जी, तो वो शायद उनके स्वयं के साथ समस्या है, उनके मन में कुछ ऐसा है कि मतलब हर चीज को केवल खाकर या उस चीज से पूरा कर लिया जाए, या जरा सा सर दर्द हुआ तुरंत गोली खा ली, मतलब वो दवाइयां खा खा के भी इतने एडिक्ट हो जाते हैं, तो उन्होंने अपने स्वयं के साथ में समस्या उत्पन्न कर ली है जी। अभी अगर हम इसको देखें ना तो हमें इसको थोड़ा बारीकी से देखें जी। तो जब बच्चा पैदा होता है तो समझिए 98-99% बच्चे जब पैदा होते हैं तो स्वस्थ ही पैदा होते हैं। हाँ जी, तो शरीर में कुछ व्यवस्था तो है, पहले से बनी हुई है जी। तो जब हम पैदा होते हैं तो ना, जब शरीर एक स्वस्थ शरीर रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं कहीं कुछ गड़बड़ होती जाती है। वो गड़बड़ कहाँ हो रही है, वो स्वयं में है या शरीर में है, ये देखने वाली बात है। स्वयं में ही होती है जी, स्वयं में ही होती है तब। सही बात है, सही बात है, क्योंकि शरीर में तो एक व्यवस्था थी बनी हुई, शरीर तो ऑलरेडी व्यवस्था में था, लेकिन हमने अगर उसको समझा नहीं, उस व्यवस्था को, उसके तहत हमने अपनी ना सब खान पान दिनचर्या वो सब ठीक नहीं रखा उसके हिसाब से, तो फिर गड़बड़ होगी शरीर में और फिर स्वास्थ्य बिगड़ता है। ठीक बात है, ठीक ठीक है, तो आगे चलते हैं, थोड़ा बात को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हमने बात करी कि ये सब सीमित मात्रा में चाहिए होंगे, ये जो संसाधन भोजन कपड़ा मकान जो भी हमारे को अपने शरीर के प्रति जो जिम्मेदारी की बात करी थी, उस सब के लिए जो भी हमें चाहिए सुविधा वो एक सीमित मात्रा में चाहिए होगी। तो यहाँ पर दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, एक तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि अब शरीर का सदुपयोग करना है, शरीर को स्वस्थ रखना है, तो जो भी सुविधा की आवश्यकता है इसको हम कैसे पूरा करेंगे, तो समृद्धि के लिए हमारा क्या कार्यक्रम होगा और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमारा क्या कार्यक्रम होगा, तो ये दो बिंदु पे थोड़ी बात करेंगे। अगर हम समृद्धि को समझे, अगर समृद्धि को समझने जाएं, तो समृद्धि किसे कहेंगे, जब हम जो भी हमारे सुविधा की आवश्यकता है उससे अधिक की हम उपलब्धि कर पाए या उसका उत्पादन कर पाए, वो जब भाव हमारे में होगा कि हमारे पास जितनी आवश्यकता थी उससे अधिक की हम उपलब्धि कर पाए या उससे अधिक हमारे पास उत्पादन हो गया, तो उसे हम समृद्धि का भाव कहेंगे। अधिक क्यों, अधिक इसलिए कि हम दूसरों के साथ शेयर कर सकें, ये नहीं कि हम
उसी में ही ना पूरे टाइम संवेदना में ही फंसे रह जाएं, लेकिन अधिक हो ताकि हम दूसरों के साथ शेयर करें। तो इसमें दो बातें हुई, एक तो ये कि कितनी हमारी आवश्यकता है उसको पहचान पाना, ठीक से पहचान पाना, और दूसरा जितनी आवश्यकता है उससे अधिक की उपलब्धि कैसे करें, उसका उत्पादन कैसे करें, उसके लिए जो हमें स्किल्स चाहिए वो कैसे पूरा करें। तो जब हम इसकी बात करते हैं कि कितनी आवश्यकता है हमारी, उसके लिए हमें सही समझ चाहिए होगी। जब हमारे में सही समझ होगी तो हमें ये भी समझ में आएगा कि जो भी शरीर की आवश्यकता है वो आवश्यकताएं सब एक सीमित मात्रा में है, तो हम ये देख पाएंगे कि कितनी आवश्यकता है, उसका सही सही आंकलन कर पाएंगे। और दूसरा बिंदु वो कि हम जितनी हमारी आवश्यकता थी उससे अधिक की उपलब्धि या उत्पादन करने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत होगी, किस हुनर की जरूरत होगी, उसको हम अपने में सुनिश्चित कर पाए। तो ये दो बिंदु जब होंगे तो फिर हमारे में समृद्धि का भाव आएगा। तो जो समृद्ध होगा, अगर कोई व्यक्ति समृद्ध होगा तो दूसरे का पोषण करेगा या शोषण करेगा, क्या लगता है आपको? आप चैट में जवाब दे सकते हैं इसका। समृद्ध व्यक्ति शरीर का या जो भी साधन होंगे उनका सदुपयोग करेगा, दूसरे का पोषण करेगा या शोषण करेगा? इसको आप चैट में जवाब दे सकते हैं। सदुपयोग करेगा, पोषण करेगा, सही बात है। सिमिलरली अगर हम देखें कि कोई व्यक्ति अगर जिसमें समृद्धि का भाव ना हो, अपने आप को दरिद्र देखे, मतलब उसको ऐसा लगे कि ना हमारे पास जितनी आवश्यकता है उतना नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो संग्रह करेगा, जो है उसका भी सदुपयोग नहीं होगा और इकट्ठा करते जाएगा, और दूसरों का पोषण करने के बजाय दूसरों का शोषण करेगा। जैसे कि हमने अक्सर देखा होगा बड़ी गाड़ी में लोग जाते हों, लेकिन रेड़ी पे कोई केला बेच रहा है तो उससे लड़ भिड़ जाएंगे कि हम तुमने 40 रुपए बोला, हम तो 30 रुपए ही देंगे तुमको, और इस तरह की बात। तो ये हम देख ही सकते हैं जी। यहाँ पर अगर पोल है तो इसके समृद्धि के वाला अगर कोई पोल है तो ले लें, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। जी दीदी, प्रश्न भी ले सकते हैं क्या इस ड्यूरेशन में? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल जी दीदी। जय प्रकाश आनंद जी हैं। नमस्ते। नमस्ते सर। जय प्रकाश जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। पहले प्रश्न में पोल में पूछा गया था स्वस्थ रखने के लिए शरीर का रोल और स्वयं का रोल है या किसी का भी नहीं। जी तो मेरे मत के अनुसार तो ये लगता है कि शरीर और स्वयं का दोनों का ही कॉम्बिनेशन का महत्व है शरीर को स्वस्थ रखने में। एकदम शरीर स्वस्थ है और मन स्वस्थ नहीं है तभी बीमार पड़ जाएंगे, यदि स्वयं स्वस्थ नहीं है और शरीर स्वस्थ है तभी मतलब स्वास्थ्य के ऊपर विपरीत असर पड़ेगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसमें क्या क्या भाव बन रहा है, मैं कैसा मतलब बेस्ट हेल्थी लाइफ के लिए कौन सी बात ठीक मतलब लग रही है? अगर हम देखें ना तो जैसे हम वो बात कह रहे थे कि जब हम कोई भी छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो शरीर 99% स्वस्थ होता है, बहुत कम परसेंटेज ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनमें कुछ पैदाइशी कुछ प्रॉब्लम हो। तो ज्यादातर हमें दिखाई देता है कि बच्चे तो स्वस्थ ही पैदा होते हैं, यानी कि शरीर तो स्वस्थ ही है। फिर आगे जाके जब हम जैसे जैसे बड़े होते हैं और हमें दिखाई देगा जैसे जैसे हमारी मान्यताएं बढ़ती जाती हैं, हम कुछ कुछ अगर हम शरीर की व्यवस्था को नहीं समझते हैं तो हम उस व्यवस्था के तहत ना चल के कुछ अलग करने जाते हैं तो फिर शरीर में उसका प्रभाव तो पड़ेगा। जैसे कि
मन के विकार के अनुसार स्वयं में विकार आ रहे हैं तो शरीर का कोई जी, यदि स्वयं में विकार आ रहे हैं मतलब जी जी का असर पड़ेगा, वही वही कह रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। अभी अगर हम आप खुद ही देखें, जब हमें गुस्सा आता है तो हम शरीर पे देख पाएंगे कि हमारे हाथ ना ट्रेम्बल करने लगते हैं, हमारे दिल की धड़कन बहुत अनकंफर्टेबल से बढ़ने लगती है, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता जब वो दिल की धड़कन इतनी बढ़ जाती है। हम जब चिल्लाते हैं तो हमारी आवाज भी ट्रेम्बल करने लगती है, हमारी सांस भी बिल्कुल ना एकदम स्मूथ नहीं होके बहुत ऊपर नीचे उतार चढ़ाव हो जाता है उसमें। हाँ, तो ये सब हमें दिखाई देता है। तो जब हम गुस्सा करते हैं हमारा भाव बिगड़ता है, तो ये सब चीजें शरीर में हो रही हैं। कभी कभी थोड़े समय के लिए होती हैं तो चल जाता है, शरीर की अपनी व्यवस्था है। जब हम रात में सोते हैं तो शरीर उस समय चीजों को ठीक कर पाता है, हम तो सो रहे होते हैं बट शरीर में जो डिटॉक्सिफिकेशन और ये सब ना सारे ऑर्गन्स को ठीक रखना, ये सब काम रात में होते हैं सोते टाइम। लेकिन अगर हम सोए भी नहीं टाइम से और जगे रहे 12-1-2 बजे तक, तो शरीर में वो क्रिया भी ठीक से नहीं हो पाती, तो फिर हम उसके साथ ना उसको नहीं समझ पा रहे व्यवस्था को, तो हम गड़बड़ कर रहे हैं, तो फिर शरीर बिगड़ जाता है। शुरू शुरू में कुछ समय के लिए होता है तो शरीर वापस रिवर्स कर पाता है। अगर हम रोज 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 वही गड़बड़ काम करेंगे तो फिर वो एक कंडीशन ऐसी हो जाती है कि परमानेंट हो जाती है, फिर शरीर उसको वापस ठीक नहीं कर पाता, तो फिर हमें औषधि और ये सब की जरूरत पड़ती है। वो हम देखेंगे थोड़ा सा आगे। जी ठीक, मतलब मीनिंग यही निकलता है कि स्वयं और शरीर को दोनों को पर्याप्त रूप से मॉनिटर करना है ये। जी 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 ये अर्थ निकलता है ना। ठीक जी, थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो सो ये हम देख लें कि इसमें मेरे शरीर के पोषण संरक्षण और सही उपयोग के लिए शारीरिक सुविधा की आवश्यकता है। आज मेरे पास उपलब्ध सुविधा एक पर्याप्त नहीं है, मुझे और अधिक की आवश्यकता है या पर्याप्त है लेकिन मैं अभी भी भविष्य के लिए और अधिक चाहता हूँ, या आज के साथ साथ भविष्य के लिए भी पर्याप्त है। तो ये दिखाई पड़ रहा है कि मैक्सिमम लोगों को अभी ऐसा तो लगता है कि पर्याप्त है लेकिन आगे का इतना सर्टेनिटी नहीं है। तो ठीक है, हम इसको और जांच सकते हैं, थोड़ा और इसके बारे में विचार कर सकते हैं, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। तो हमने देखा है कि जब बात हुई थी कि दो प्रकार के लोग दिखाई देते हैं, दो प्रकार के मनुष्य दिखते हैं, ऐसे जिनमें सुविधा नहीं है, सुविधा की कमी है, और वो दुखी भी हैं, दरिद्र भी हैं, जिनमें ना फिजिकल फैसिलिटी सुविधा की कमी है। फिर एक टाइप के वो हैं जिनमें सुविधा तो बहुत है लेकिन फिर भी दुखी हैं, फिर भी दरिद्र हैं, क्योंकि उन्हें दिख ही नहीं रहा कि कितनी उनकी आवश्यकता है। लेकिन हम चाहते क्या थे? हम चाहते तो यही थे कि हमारे पास सुविधा भी हो और हम सुखी भी हों, समृद्ध भी हों, ये तो हमारी चाहना थी। लेकिन क्योंकि हमारी कितनी आवश्यकता है वो हम पहचान नहीं पा रहे, निश्चित कितनी है वो हमें नहीं दिख रहा, तो इसलिए हम पहले नहीं होती तो दुखी रहते हैं, जब सुविधा आ जाती है तो भी दुखी रहते हैं, क्योंकि हम देख ही नहीं पा रहे कि हमें जितनी चाहिए उतनी हमारे पास है। तो एटलीस्ट यहाँ पर हम मेजॉरिटी को तो ये दिख रहा है कि हमारे पास जितने की आवश्यकता है अभी के लिए तो उतना है, और जिनको अभी वो नहीं दिख रहा तो वो भी थोड़ा इस पे गौर करेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो शायद ये देख पाए। क्योंकि जब हम शरीर की तरफ से देखते हैं तो शरीर की कितनी आवश्यकता है, भाई कपड़े हैं, कितने कपड़े हम पहन सकते हैं हफ्ते में, ना 10, 12, 14, उससे ज्यादा जोड़ी कपड़े तो नहीं पहन पाएंगे एक हफ्ते में। तो
इसी तरह हम महीने का, साल भर का हिसाब लगा सकते हैं, देख सकते हैं कि हमारे पास उतने कपड़े हैं, नहीं हैं, ज्यादा हैं, कम हैं, हमारे कबर्ड में कितने कपड़े रहते हैं, उससे हमें मालूम हो जाएगा। शरीर को कितने पोषण की आवश्यकता है, कितना खाने की आवश्यकता है, अगर हम उससे ज्यादा लेते हैं तो हमारा और कुछ, मतलब शरीर में कुछ बेटर तो कुछ नहीं होने वाला, हमारा मोटापा ही बढ़ेगा और उससे बीमारी और बढ़ेगी, वो भी हम देख पाएंगे कि सब सीमित मात्रा में जरूरत है, उससे ज्यादा की नहीं। तो हम जो चाहते हैं कि हम सुविधा संपन्न हो, सुखी हो, समृद्ध हो, ये तभी संभव होगा जब हम सुविधाओं की जो आवश्यकता है उसको ठीक से पहचान पाए और जो उसके लिए हमें उत्पादन करना है, उपलब्धि करनी है इन सब सुविधाओं की, उसके लिए हम सही हुनर जो हमें चाहिए उसको सुनिश्चित कर पाए। तो इतनी बात थी समृद्धि की। अगर इस पे किसी की इमीडिएट कुछ चर्चा हो तो करेंगे, नहीं तो स्वास्थ्य पे जाएंगे क्योंकि समय की भी थोड़ी सीमा है। तो मुझे लगता है क्या? दीदी लेते हैं प्रशांत भदौरिया जी। जी थैंक यू दीदी। अभी आपने बताया कि सुविधा विहीन अगर व्यक्ति हैं तो वो भी दरिद्र हैं और सुविधा संपन्न हैं वो भी दरिद्र हैं। तो सुविधा मतलब पैसों से आके हैं या फिर सभी चीजों से? जी अभी अगर हम देखें ना तो पैसे तो बहुत लोगों के पास होंगे भी, लेकिन हरेक में ये समृद्धि का भाव है क्या कि मेरे पास जितनी चाहिए, मुझे जितनी जरूरत है उतना मेरे पास है, ये भाव हरेक में नहीं मिलेगा। अभी हम देखें तो मेरे अंदर वो भाव तभी आएगा जब मुझे लगेगा कि हाँ मुझे जितनी जरूरत है उससे ज्यादा मेरे पास है, तभी मुझे लगेगा कि हाँ मैं तो समृद्ध हूँ। तो अगर हमारे में सही समझ नहीं होगी और हमें यही नहीं मालूम होगा कि हमें कितना चाहिए, हमारी आवश्यकता कितनी है, तो हमारे अंदर समृद्धि का भाव तो कभी भी नहीं होगा, है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तो वही मतलब आवश्यकता यही है कि हमारे में सही समझ हो, हम देख पाए कि सुविधा जो है उसकी आवश्यकता शरीर को है, मैं को नहीं, शरीर को है। जब हमें ये दिखाई देगा तो हम कपड़े शरीर के ना संरक्षण के लिए लेंगे, वो कपड़े पहनेंगे, ना कि हमें ये कपड़ा पहनेंगे तो आज हमें शादी में जाना है, ये कपड़ा पहनेंगे तो हमें लोग और सम्मान देंगे। अब अगर हम ये मिक्सअप कर देंगे, जो मेरी आवश्यकता है सम्मान की उसको हम शरीर की आवश्यकता से मिक्सअप कर देंगे, तो फिर हमें कुछ अंत दिखेगा नहीं उसका। लेकिन जब हमारे में सही समझ होगी तो हम ये देख पाएंगे कि जो भी सुविधा की आवश्यकता है वो शरीर की आवश्यकता है, मेरी आवश्यकता नहीं है। मेरी आवश्यकता तो भाव की है और मेरे जो भाव की आवश्यकता है वो मेरे अंदर ही सही समझ और सही भाव से पूरी हो जाती है। शरीर की जो आवश्यकता है उसके लिए हाँ मुझे सुविधा चाहिए, लेकिन शरीर को क्या फर्क पड़ेगा अगर हम बहुत महंगे कपड़े खरीद के पहनेंगे? तो शरीर को फर्क पड़ेगा या मुझे फर्क पड़ेगा, वो हम जब देख पाएंगे कि शरीर को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, उसको जैसे कपड़े पहनाएंगे शरीर तो वैसे ही चल पड़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम तो हमारी है ना। बिल्कुल ठीक। यदि मैं एक बात और यहाँ पर रखना चाहूंगा, जैसे हमारे शरीर के अंदर जो भी बीमारी आती है, चाहे डायबिटीज हो या कुछ भी हो, तो हमने एक जगह पढ़ा था कि कहीं पहले हमारे वो विचार के रूप में हमारे अंदर आती है, उसके बाद वो है जो है शरीर में परिवर्तित हो जाती है। क्या ये इस बात के लिए हम कहाँ तक सहमत है? जी तो ये तो बात है कि हमारे अंदर जो भाव चलते हैं उसका थोड़ा थोड़ा शरीर के ऊपर असर पड़ेगा ही, उसका जो है ना उसका प्रतिबिंब शरीर पे भी आता है थोड़ा बहुत। लेकिन इसमें और भी एक बात है जुड़ी हुई कि हम अक्सर ऐसा मान लेते हैं कि जो भी कुछ, अब जैसे
बोलते हैं कि फैमिली में डायबिटीज है, तो हमने मान लिया कि अगर हमारी फैमिली में डायबिटीज है तो हमें भी होगा ही, ये एक बात है। लेकिन अगर हम देखें कि फैमिली में कैसा खाना खाया जा रहा है, जैसा खाना खाने का रिवाज है हम भी वैसा ही खाना खाने लगते हैं, तो हम ये ध्यान नहीं देते कि डायबिटीज कब होती है, किस टाइप के खाने से होती है, हमारा खाना के हिसाब से जो हम खाना खा रहे हैं वो ऐसा तो नहीं खा रहे जिससे कि डायबिटीज का प्रॉब्लम आ सकता है या हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम आ सकता है या जो भी हेरिडिटरी प्रॉब्लम जिसको हम मानते हैं। तो उसमें देखेंगे कि एक्चुअली जो रिसर्च हुई है, दीपक चोपड़ा का आपने शायद नाम सुना होगा, वो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं जो थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में भी ना इन्वॉल्व हैं, पर साथ में एक कार्डियोलॉजिस्ट थे, प्रैक्टिसिंग कार्डियोलॉजिस्ट, और उनका एक रिसर्च लैब है जहां वो काफी इस बारे में शरीर और मन के ऊपर जो है वो रिसर्च करे हुए हैं। तो उनका कहना ऐसा है कि उनकी रिसर्च में ये दिखा कि जो हेरिडिटरी डिजीजेस जिसको बोलते हैं उसमें से केवल 5% हेरिडिटरी भी नहीं, जेनेटिक यानी कोई जीन जिसकी वजह से कोई डिजीज हो रही है किसी बच्चे को या बड़े को, तो उसमें से केवल 5% ऐसी डिजीजेस हैं जो निश्चित रूप से आगे जाके दूसरे में होंगी, जेनेटिक है। बाकी जो 95% है उनमें हम अपने रहन सहन खान पान से बदलाव ला सकते हैं। तो वो भी जो हम जेनेटिक बोलते हैं, हेरिडिटरी बोलते हैं, ये सब जो डिजीजेस हम सोचते हैं कि एक सेंटेंस ही हो गया, जैसे हमारी फैमिली में है तो मुझे तो होगा ही, ऐसा कुछ नहीं। हम अपना रहन सहन खान पान ठीक रखेंगे तो हम उस चीज को अवॉइड कर सकते हैं। बट वो थोड़ी सी बात हम आगे अभी ले जाते हैं स्वास्थ्य में। ओके, थैंक यू दीदी जी, थैंक यू। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ी सी बात स्वास्थ्य की कर लें, शरीर में स्वास्थ्य। तो हमने देखा कि स्वास्थ्य का मतलब क्या हुआ, कि शरीर मैं के अनुसार काम करे और शरीर में जितने भी सब अंग प्रत्यंग हैं सबके बीच में व्यवस्था हो। और हमने ये भी बात करी कि शरीर ऑलरेडी एक व्यवस्था में है, एक समझिए एक व्यवस्थित तंत्र है हमारे लिए, एक टूल है। अब अगर हम देखें कि शरीर के अंदर बहुत से सेल्स हैं, अरबों सेल्स या कोशिकाएं हैं, ये सब जो कोशिकाएं हैं अगर हम इनको देखें तो हरेक अपने आप में कंप्लीट है, हरेक अपने आप में एक व्यवस्था है और हरेक के अंदर कुछ ना कुछ क्रिया चल रही है, एक व्यवस्थित रूप से कुछ अलग अलग क्रियाएं हरेक कोशिका में चल रही है। लेकिन जब हम इनको मिला के देखते हैं तो ये कोशिकाएं इंडिपेंडेंटली भी पूरक हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ भी पूरक हैं। तो अपने आप में एक व्यवस्था है, लेकिन जब आपस में मिल जाती हैं तो मिल के जो इनसे बड़ी व्यवस्था है उसमें भागीदारी देती हैं। तो जैसे कि जो सेल्स हैं उनसे फिर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं, और अल्टीमेटली ये सब जो हैं एक साथ मिल के जो शरीर की जो व्यवस्था है, जो बड़ी व्यवस्था है शरीर, उसके लिए काम करती हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये आपस में जो कोशिकाएं हैं ये गड़बड़ करें या कुछ ना अलग थलग करें, एक दूसरे से अलग थलग करें। तो पूरे शरीर की व्यवस्था के लिए ही सब काम करती हैं। और दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये है कि शरीर जो कि एक जड़ इकाई है उसका एक बहुत निश्चित आचरण है, एक बहुत डेफिनेट कॉन्डक्ट है। जो बात हुई कि शरीर में जो पहचानना निर्वाह करना है वो बहुत निश्चित है, डेफिनेट है, तो वो भी हम देख पाएंगे। जैसे भानु भैया वो जो एग्जाम्पल दे रहे थे कि जब हम कुछ ऐसा खाना खाते हैं जो शरीर के लिए पोषक हो तो शरीर उसको पहचानता है और उसका निर्वाह एक डेफिनेट ढंग से करता है। लेकिन अगर हम कुछ पॉइजनस चीज खा लेते हैं
तो शरीर ये भी समझता है कि पॉइजनस है और उसका जो इम्पैक्ट होगा शरीर पे वो भी डेफिनेट होगा। ऐसा नहीं है कि आज शरीर का मूड है तो पॉइजन भी खा लेगा तो कुछ नहीं होगा, कल के दिन मूड नहीं है तो पोषक खाना भी खाया तो पॉइजनस हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। एकदम डेफिनेट निश्चित तरीके से चलता है शरीर। तो ये तो शरीर के अंदर जो एक निश्चित पहचानना निर्वाह करना है, लेकिन फिर अगर हम देखें तो शरीर भी एक ऐसी इकाई नहीं है जो बिल्कुल ही अलग थलग है। जो प्रकृति में और जो इकाइयां हैं, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, पानी है, हवा है, इन सब के साथ एक व्यवस्था में है, एक बड़ी व्यवस्था में है। अगर हमें ये समझ में आए तो फिर हम देख पाएंगे कि जो ये हमारे शरीर की व्यवस्था है उसको हम व्यवस्थित रहने में कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो जैसा कि अगर हम देखें, आप कहेंगे कि शरीर में ऑलरेडी व्यवस्था है तो हमारा क्या रोल है इसमें? फिर तो हमारा ये रोल है कि हम अपनी जिम्मेदारी संभालें। क्या जिम्मेदारी? कि जो शरीर में जो व्यवस्था है, जिसके साथ हमने शुरू किया था, जिसके साथ हम पैदा हुए थे, हम उसको बनाए रखें। तो कैसे बनाए रखें? वही जो हमने बात करी, जिम्मेदारी के भाव के साथ। उसके लिए हमें क्या करना होगा? तो हम ये देख पाए कि जो भी आवश्यकता हो हमारे को अपने जिम्मेदारी के भाव को निभाने के लिए, वो हम सुनिश्चित कर पाए, और इसी से स्वास्थ्य सुनिश्चित होगा। इसको हम थोड़ा और डिटेल में देखेंगे। अभी जैसा कि हमने पिछले सत्र में बात सुनी कि हमारे अंदर जो इच्छा विचार आशा जो कल्पनाशीलता चलती रहती है, उसके तीन स्रोत हो सकते हैं, और ये दो स्रोत जो हैं मान्यता के और संवेदना के, ये हमारे से बाहर हैं। तो इनके तहत जब हमारी कल्पनाशीलता चलती है तो एक तरह से कहेंगे कि हम बाहर के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि अब मान्यता को ही देख लें, तो कभी कभी हम ऐसा भी सोचते हो कि अगर हम कोई बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएंगे तो दूसरों का ध्यान हम पर जाएगा और उससे हमें सम्मान मिलेगा, तो हम वो सोच के भी बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाने जा सकते हैं। आजकल देखेंगे कि ये फेसबुक और इंस्टाग्राम और इस सब पे लोग खाने की फोटोएं डालते रहते हैं कि हम आज यहाँ गए, हम आज वहां गए, हमने ऐसा खाना खाया, हमने वैसा खाना खाया। तो कहीं हमारे पास हमारी ये मान्यता हो सकती है कि दूसरे अगर ये सब देखेंगे कि मैं इतने बड़ी जगह में खाना खा रहा हूं तो मुझे सम्मान देंगे, तो ये एक मान्यता हुई। यहाँ हम ये नहीं देख रहे कि शरीर के लिए क्या जरूरी था, पोषक खाना या ये खाना। फिर एक तरह से कल्पनाशीलता तब वैसे भी चलती है जब हम संवेदना से मोटिवेट हो जाते हैं। तो जैसे हमें किसी चीज का स्वाद बहुत बढ़िया लगा, कोई मिठाई का स्वाद बहुत बढ़िया लगा, तो हम वही खाते गए, तो ना हमने भोजन का ऐसा चयन किया कि सिर्फ स्वाद का ही ध्यान दिया, ये नहीं ध्यान दिया कि ये शरीर के लिए पोषक है या नहीं है, या ये शरीर को नुकसान पहुंचाएगा, ये हम नहीं देख पाए, हम सिर्फ स्वाद देख के और वही खाते गए। तो ये हुआ जब हमारी कल्पनाशीलता संवेदना से प्रेरित हो गई, तो हमारी इच्छा भी उसी प्रकार की हो गई कि चलो रसगुल्ला खाएंगे। फिर एक बस नहीं हुआ, हमें और वैसी संवेदना और चाहिए थी, वैसा ही स्वाद चाहिए था, तो हम खाते चले गए और फिर खाना खाना तो भूल ही गए, तो वो भी शरीर के लिए तो नुकसान करेगा ही। इसी तरह एक जो पार्ट है हमारे, तीसरा पार्ट जो पीले रंग में दिख रहा है, जो हमारी कल्पनाशीलता का एक बहुत छोटा सा भाग बनता है अक्सर, वो है हमारी जो अपने अंदर से जो कल्पनाशीलता हमारे से निकल के चल रही है, हमारी सहज स्वीकृति के तहत। तो इससे इसमें जो कल्पनाशीलता चलेगी
वो हमारे संयम के भाव के साथ चलेगी। तो फिर हम ये देखेंगे सबसे पहले कि शरीर के लिए क्या चीज पोषक है, उस हिसाब से फिर हम अपने भोजन का चयन करेंगे। और इसका ये मतलब नहीं कि वो स्वादिष्ट ना हो, ऐसा जरूरी नहीं कि जो चीज पोषक हो वो ना उसका स्वाद ही ना हो, बिल्कुल ही बेस्वाद हो, ऐसा भी जरूरी नहीं। तो हम ऐसा चयन कर सकते हैं भोजन का जो स्वादिष्ट भी हो और शरीर के लिए पोषक भी हो। तो इन तीनों को हम देख सकते हैं कि असल में जो कल्पनाशीलता का जो रियल स्रोत हमारे अंदर है वो तो सेहत स्वीकृति के तहत ही है, और उसके तहत हम जाएंगे तो फिर हम शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं। इसकी मैं थोड़ी सी बात और आगे बढ़ा दूं क्योंकि समय बहुत लिमिटेड है, और फिर हम वो कंप्लीट सेशन कंप्लीट होने के बाद भी एक 5-7 मिनट प्रश्न ले सकते हैं अगर कोई चाहे तो। तो हमारे स्वास्थ्य का क्या कार्यक्रम होना चाहिए? तो ये एक प्रस्ताव है कि हम अपने आहार, आहार यानी सिर्फ भोजन ही नहीं, जो भी हम अंदर लेते हैं, तो चाहे वो भोजन हो, चाहे वो हवा हो, पानी हो, सनलाइट हो, है ना, कोई भी चीज हो, उसको हम जो अंदर लेते हैं वो सही मात्रा में ले पाए। तो जब हम अंदर बैठे रहते हैं, घर के अंदर बैठे रहते हैं, हमें धूप नजर ही नहीं आती, हम बाहर जाते ही नहीं हैं, तो फिर शरीर में प्रॉब्लम आएगा ही। तो आजकल जो बिल्कुल एपिडेमिक जैसा हो गया है कि विटामिन डी डेफिशिएंसी, अब भारत में तो इतनी धूप होती है, इतने टाइम सनलाइट दिखती है, लेकिन फिर भी भारत में इतने सारे लोगों को विटामिन डी डेफिशिएंसी है। तो हम अगर आहार ठीक नहीं लेंगे तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा। तो इसकी हम ज्यादा बात ना करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसी तरह विहार, जो दिनचर्या की बात है, हम कब उठते हैं, हम कब सोते हैं, हम किस टाइम पे खाना खाते हैं, ये सब से शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ता है। अगर हम देखें, जैसे हमने बात करी, जब सूरज ऊपर उठता है तो पेड़ पौधों में जो पत्ते होते हैं वो खुलने लगते हैं, ऐसा दिखता है नहीं। फिर जब सूरज एकदम ऊपर होता है सिर के ऊपर तो एकदम तेज गर्मी होती है। फिर जैसे जैसे सूरज ढलने लगता है, शाम होने लगती है, तो पेड़ के जो पत्ते हैं वो बंद होने लगते हैं। तो प्रकृति में दिखता है कि ये सब जो एक नियम से चल रहा है प्रकृति में, उसका कुछ प्रभाव पड़ता है ये सब इकाइयों पर। और शरीर भी एक जड़ इकाई है तो शरीर के ऊपर भी प्रभाव पड़ता ही है, हमें दिखता ना हो लेकिन प्रभाव तो पड़ता है। तो जैसे जब सूरज ऊपर उठने लगता है तो हमारे अंदर जो पाचन शक्ति होती है वो कमजोर होती है दिन के सुबह के टाइम। तो इसलिए अगर हम नाश्ता जल्दी करें और लाइट करें, हैवी ना करें, तो शरीर के ऊपर बोझ नहीं बनता। जैसे जैसे धूप और तेज होती जाती है, सूरज एकदम सिर के ऊपर आ जाता है 12 बजे के आसपास, उस टाइम तेज गर्मी होती है, उस टाइम हमारे जो पाचन शक्ति की जो अग्नि, जिसको बोलते हैं आग, जठराग्नि, वो भी बहुत तेज होती है। उस समय हम अपना बड़ा भोजन खा सकते हैं और पचाने की शक्ति रहेगी शरीर में, पचाने की कैपेसिटी रहेगी। जैसे जैसे शाम होने लगती है, सूरज ढलने लगता है, हमारे पाचन शक्ति भी कमजोर होने लगती है। तो डिनर हम जल्दी खाएं, बहुत रात होने के पहले खा लें और लाइट खाएं, तो फिर हमारे शरीर जो है उस चीज को डाइजेस्ट कर पाएगा। तो ये कुछ इस तरह के नियम हैं जो अगर हम समझ पाएं और अपने शरीर को हम स्वस्थ रख पाएं इस तरीके से, तो फिर हमें दवाइयों की जरूरत ही ना पड़े। तो ये हुआ आहार और विहार, दिनचर्या को लेके। इसके साथ हम जोड़ते हैं एक चीज और, जो है श्रम। प्रकृति में नेचर के साथ, जमीन के साथ, सॉइल के साथ थोड़ा श्रम करें। हम उसमें सब्जियां उगा सकते हैं, हम पेड़ उगा सकते हैं, जो फल देते हैं वैसे पेड़ उगा सकते हैं, जो भी
थोड़ा श्रम करें साथ में, तो हम अगर देखें तो शरीर एक जड़ इकाई है, तो ऐसा मानना है। और ट्रेडिशन में, हमारे ही ट्रेडिशन में नहीं, जो पुराने बहुत से ट्रेडिशंस हैं जापान का, चाइना का, तो इनमें कहा गया है कि शरीर पांच तत्वों से बना है, जैसा कि सारी प्रकृति में भी पांच तत्व हैं। तो जब हम इन पांच तत्वों के साथ शरीर का कांटेक्ट रखते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है। जितना हम इनसे दूर होते जाते हैं उतना शरीर में अस्वस्थता बढ़ती जाती है। तो इसीलिए जब हम एयर कंडीशन कमरे में बैठ जाते हैं तो हमें लगता है कि हम प्रकृति से अलग हो गए, लेकिन शरीर तो है तो जड़ इकाई, तो वो तो कभी भी अलग नहीं हुई, लेकिन हमने उसको जबरदस्ती अलग कर दिया, तो फिर वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होगी। एक पिक्चर निकली थी डॉक्यूमेंट्री अर्थिंग करके, कि जब हमारे शरीर का जमीन के साथ कांटेक्ट बना रहता है तो हमारे अंदर जो इन्फ्लेमेशन होती है शरीर में, मतलब कि जो बीमारी आती है वो बहुत घट जाती है। एक फ्री रेडिकल्स जैसे जिसकी बात होती है, वो फ्री रेडिकल्स बीमारी लाते हैं, तो ये फ्री रेडिकल्स कम हो जाते हैं जब हम हमारा शरीर का जमीन के साथ कांटेक्ट बना रहता है बाहर। लेकिन आजकल हम अंदर ही अंदर रहते हैं, कारपेट्स लगा देते हैं, ये सब करते हैं, तो फिर हम शरीर के कांटेक्ट में ही नहीं रह, जमीन के कांटेक्ट में ही नहीं रह पाते। तो ये जो अगर हम श्रम करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फिर हम बाहर ना खुली हवा में, सनलाइट में काम कर सकते हैं, पर ये करने का समय सुबह के टाइम या शाम के टाइम, तेज धूप में ना करें। तो ये आहार, विहार, श्रम, ये तीन करें, और इससे ज्यादा अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा व्यायाम, थोड़ा आसन प्राणायाम करें, तो हम शरीर को 99% 95% तो बीमारियां हम दूर रख सकते हैं। फिर कभी कभार जब हम नहीं कर पाए तो फिर हम औषधि का प्रयोग करें, या फिर ये जो लास्ट का उपचार है, जो ना शरीर को सही रखने के लिए दवा ऐसी या कोई मशीन का, जिससे कि शरीर का जो खुद का फंक्शन था जब वो खत्म हो जाता है, तो बाहर किसी मशीन से हम वो फंक्शन कराते हैं, ये तो टोटली शरीर की निर्भरता हो गई बाहर पे, तो वो तो एक लास्ट रिजॉर्ट ही मान सकते हैं, उसको तो हम वहां तक ना ही पहुंचे तो बेटर है। तो ऐसा ये प्रपोजल है, एक प्रस्ताव है कि अगर हम ये 1A, दैट मीन्स आहार, विहार, श्रम, इतना भी कर लें तो हम काफी हद तक, कम से कम 50-60% बीमारियों को दूर रख सकते हैं। उसके साथ में अगर हम ये आसन प्राणायाम, थोड़ा व्यायाम भी कर लें तो मैक्सिमम चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को शरीर में। और फिर सेकेंड नंबर पे हो औषधि, और लास्ट नंबर पे हो ये दूसरे उपचार। तो इतनी बात थी, ये पोल आप लोग आंसर कर सकते हैं, आप क्या चाहेंगे, स्वस्थ जीवन शैली हो, सही दिनचर्या, श्रम, व्यायाम वो हो, या मैं अपनी जीवन शैली नहीं चुन सकता इसलिए दवा और उपचार का कार्यक्रम करूं। तो ये तो बहुत क्लियर है कि आप सबको ये दिखाई दे रहा है कि हम अपना, अपने स्वास्थ्य को अपने हाथों में रखना चाहते हैं, कोई दवाई के ऊपर निर्भर नहीं होना चाहते, ये तो हम सबको दिखाई देता है। तो बस अब हम समाप्त पे आ गए हैं, सार पे आ गए हैं। अगर किसी के कोई प्रश्न बनते हैं तो हम प्रश्न ले लेंगे, क्योंकि समय तो हो चला। महेंद्र जी हैं। हाँ दीदी, नमस्ते। नमस्ते दीदी, मेरा प्रश्न ये था कि जब से आप स्वास्थ्य की बात करें, मेरा एक मोटा प्रश्न ये था कि कुछ लोग जिनको कहते हम वो असाध्य बीमारी, उनसे घिर जाते हैं, जैसे माइग्रेन हुआ, ये हुआ, तो उसमें
एक गोली दो गोली रोज खा रहे हैं या जब भी सिरदर्दी या दूसरे तरह के कोई भी असाध्य रोग, तो ये असाध्य रोग एक तो क्यों होते हैं या ये किस तरह से होते हैं और इनसे कैसे बच सकते हैं हम? जी, अगर हम उसमें भी देखें ना, तो कहीं ना कहीं हमारी दिनचर्या में कुछ प्रॉब्लम है या हमारे खान पान में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, तो वो ना, अब जैसे सिंपल चीज है, जैसे हमने सपोज एक दिन पानी कम पिया, हमारा सिर दुखने लगा, तेज गर्मी हम बाहर चले गए धूप में और हमने पानी कम पिया तो हमारा सिर दुखने लगा, या हमने कुछ ऐसा खा लिया जो हमारे शरीर, जो हमारा शरीर पचा ना सका, तो उससे बदहजमी हो गई, कुछ गैस हो गई, ब्लोटिंग हो गई, उससे भी सिर दर्द हो सकता है। एक समय के लिए हो जाए, फिर कुछ औषधि और कुछ भी प्रक्रिया अपना करके उसको फिर आदमी दूर नहीं कर पाता है, कुछ भी कर ले फिर वो इसलिए क्योंकि बहुत आगे बढ़ गई ना बात। अगर शुरुआत में ही रोक देते, शुरुआत में ध्यान देते तो हम उसको ठीक कर सकते थे, लेकिन हमारा ध्यान ही नहीं गया उस पे। अक्सर होता है ऐसा कि हमने ऐसा कुछ खा लिया जो हमें ध्यान नहीं दिया, गैस बन गई। अब हम ना, उस टाइम पे हम बिजी थे, कुछ काम कर रहे थे, हमारा ध्यान ही नहीं गया उस पे। इसीलिए ये इस बात पे बहुत जोर किया गया है कि हम अपनी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है उसको देखें। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि हमारा ध्यान बाहर होता है, हमारे अंदर क्या चल रहा है उस पर हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता। तो आधी, मतलब आधी जिंदगी तो आदमी सोचने सोचने में गुजार देता है करता कम है, सोचता ज्यादा है, वही और जो जो सोचता है वो करता नहीं है, वही वो कल्पनाशीलता में जो गोल 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 घूमते रहते हैं ना, उससे सार्थक कुछ निकलता नहीं है। बाइक पे बैठे हैं और पता नहीं, या कार में बैठे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, ड्राइव कर रहे हैं और मालूम पड़े कि किसी पे एकदम से ब्रेक मारना पड़ रहा है क्या सोच रहे थे, कहाँ पहुंच गए। वही वही जी, स्पेशली जब हम एक ही रास्ते पर चलते हैं ना। हाँ, अगर आप कहीं कोई नई जगह जा रहे हैं तो आप देखिए कितना अलर्ट रहते हैं, अभी कौन सा टर्न लेना है, अभी क्या करना है। लेकिन अगर आप वही रास्ते पे रोज जा रहे हैं, आप देखेंगे कि कल्पनाशीलता में आप कहाँ कहाँ नहीं पहुंच जाते, क्योंकि वो रास्ता तो वही का है, तो उस पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो हम बिजी हो जाते हैं अपनी कल्पनाशीलता में। दी बिल्कुल, दी 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 आपने बिल्कुल सही बोला जी। ठीक दी, ओके ठीक ठीक। हाँ नमस्ते मैम। नमस्ते, मैं अंशुमन शर्मा बोल रहा हूँ ग्वालियर से। मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपने ये जो अभी बताया श्रम आहार विचार वगैरह, तो इसमें हम फिजिकल तो ठीक है समझ में आ रहा है जो रोग है उससे बच जाएंगे, मैं मानसिक रोग के लिए फिर अपन क्या करें, जो मनोरोग है ना वो इससे कंट्रोल नहीं हो पा रहा ना। जी जी जी, एक तो मैं पहले यहाँ बोल दूं कि हमारा समय तो हो गया है, तो हम अजय भैया हम ऑफिशियली क्लोज कर सकते हैं, प्रश्न हम अभी भी ले लेंगे और दो चार, लेकिन ऑफिशियली तो हम क्लोज कर लें ताकि जिनको जाना हो वो जा सके। जी जी, ठीक बात है दीदी। तो जैसा दीदी ने कहा कि ऑफिशियली ये टाइम 5 बजे तक का था, अभी 5:05 हो गया है, तो ऑफिशियली हम लोग इसको क्लोज कर रहे हैं और दीदी अभी कुछ मिनटों के लिए हैं, तो हम लोग एक दो प्रश्न और ले सकते हैं। जी ठीक है, तो आपका जो प्रश्न था मानसिक रोग के लिए क्या करें, तो देखें कि भाई मानसिक रोग जो है वो तो शरीर से लिंक्ड है ही नहीं, वो तो मेरे अंदर जो प्रॉब्लम है उसकी बात है। तो उसमें भी वही करेंगे हम कि जो अभी पिछले सत्र में बात हुई कि कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है उसको देखें और हमारी सहज स्वीकृति क्या है उसको देखें। तो जब जब हमारी कल्पनाशीलता हमारी सहज स्वीकृति के लाइन में बनी रहेगी, तब तब हम एक हार्मनी में होंगे, एक लय में होंगे, अंदर हम सुखी होंगे। और उस समय में हम जो शरीर के ऊपर भी जो प्रभाव पड़ेगा वो एक ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि शरीर की व्यवस्था बिगड़ेगी नहीं, वो बनी रहेगी। लेकिन जब जब हमारी कल्पनाशीलता में गड़बड़ होती है, जब जब हमारी कल्पनाशीलता हमारी सहज स्वीकृति से अलग चलती है, तब तब हमारे अंदर ये दुविधा सी होती है और एक कॉन्फ्लिक्ट सा होता है, डिसहार्मनी सी हो जाती है, तब हम एक दुख का अनुभव महसूस करेंगे। लेकिन हम आजकल
उस पर भी ध्यान नहीं देते, जब तक कि बहुत सिचुएशन बहुत बिगड़ नहीं जाती। जैसे जब हमें गुस्सा आ रहा है, अब जब गुस्सा आना शुरू ही होता है तब हम अपनी कल्पनाशीलता को अगर देख रहे हो तो हमें दिख जाएगा कि मुझे ये अभी मेरे अंदर जो भाव चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा, मुझे उसको ठीक कर लेना चाहिए। उसी क्षण हम ठीक कर सकते हैं, हमें वेट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर हमारा ध्यान ही नहीं है उस पे तो वो चलते जाता है, बिगड़ते जाता है, बिगड़ते जाता है, बिगड़ते जाता है, और एक टाइम आता है जब बिल्कुल बर्स्ट आउट हो जाता है, तो फिर हम चिल्ला देते हैं लोगों के ऊपर। और उस टाइम पे अगर तब भी अगर हम देखें तो जो बात हो रही थी, हमारे हाथ हिलते हैं, हमारे कांपने लगते हैं हाथ, हमारी आवाज ना सीधे नहीं आती, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, हमारी सांस जो है नॉर्मल नहीं रहती, वो सब हमारे को दिखाई देगा कि ये सब हमारे मन में क्या चल रहा था उससे हमारे शरीर के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो हमारा मन ठीक रहेगा तो शरीर तो हमारा साधन है ही, तो हम शरीर के प्रति जिम्मेदारी भी लेंगे, और जब हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम होगा तो हम उससे दुखी ना होते हुए उसकी जिम्मेदारी लेके उसके लिए क्या करना है वो करेंगे। जी ये ठीक है? हाँ मैम ठीक है जी, थैंक यू जी। ठीक है, और भी कोई प्रश्न है तो अभी ले सकते हैं जी। करुणा परमार जी, जी दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, मैं छतरपुर से अरुणा बोल रही हूँ। जी जी बताइए। बस मैं इस मंच से ये बात रखना चाहती हूँ, एक छोटी सी शेयरिंग है दीदी मेरी जी, कि स्वास्थ्य को लेके मेरे बड़े बेटे को हार्ट में प्रॉब्लम थी जब वो पैदा हुआ, और UHB को समझते हुए हम लोगों ने उसका आयुर्वेदिक इलाज दिया और आज वो बिल्कुल स्वस्थ है, 24 साल का है। और तब से हम लोगों ने कोई भी औषधि ऐसी नहीं ली है, हम लोग ने अपनी पूरी दिनचर्या जीवन शैली को ही ठीक करके और आज हम यहाँ तक आए हैं, और हम किसी भी उपचार की हमें अभी तक तो आवश्यकता नहीं हुई है। बस इसी बात को मैं यहाँ पर रखना चाह रही थी कि अगर हम अपनी दिनचर्या खान पान और इस सब को देख पाए और साथ में स्वयं और शरीर जो है उसकी व्यवस्था को ठीक ठीक पूरा समझ पाते हैं तो ये बहुत सहयोगी है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। ठीक, और बस इतनी शेयरिंग थी दीदी हमारी जी। नमस्ते दीदी। ठीक नमस्ते जी। सरिता दुबे जी, डॉक्टर सुषमा कलभोर जी, प्रणाम दीदी। नमस्ते, प्रणाम। मैं ये जानना चाह रही हूँ, कल से जो हमारी ये जर्नी चालू हुई है उसमें काफी सारी चीजों में जिन पे हमारा ध्यान नहीं जा रहा था, तो उनको जानते समझते हुए जो आज यहाँ तक पहुंचे हैं, तो शरीर में पैदा होने वाली जो ये बीमारियां हैं या जो शरीर में असंतुलन है या मनोभाव में असंतुलन से जो मानसिक बीमारियां आ रही है, तो उसमें मैं जानना चाह रही हूँ कि सब चीजें तो ठीक है कि हम मतलब समझते हुए हमारे विचारों में मतलब संयम रखते हुए उसको मतलब सहज स्वीकृति लाते हुए भी, पर ये जो लालच का भाव आ जाता है कि अरे थोड़ा सा ये खा लेते हैं, अरे मतलब इन्होंने ये कहना नहीं सुना कि नंगे पैर घूम रहे हैं या बिना गर्म कपड़े पहने घूम रहे हैं, तो मतलब ये भी तो लालच ही है ना कि बीमार ना पड़े तो ये इनको टोकना है, संभालना है, या थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं। मुझे बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है इसमें जी, इसको कैसे समझूं? क्या है ना कि जब हमारे अंदर हमें सुख ऐसा हमें चाहिए तो निरंतर सुख, लेकिन जब हमारे अंदर हमें वो सुख दिखता नहीं तो फिर हम बाहर ही ढूंढने लगते हैं, तो फिर हम खाने में ढूंढते हैं, अच्छा स्वाद का कुछ मिल जाए तो थोड़ी देर को ना हम सुखी हो जाएंगे, तो वो सुख हमें कितनी देर तक मिलता है ये भी हम देखें, तो हमें दिखाई देगा कि जब तक
वो चीज जो हम खा रहे हैं वो हमारे जबान पर है तब तक हमें उसका स्वाद आता है, जैसे ही वो गले के नीचे उतरी तो फिर तो अब वो शरीर के ही काम आएगी, हमारे उसका कोई काम नहीं है क्योंकि वो टेस्ट तो अब नहीं रहा। तो हम अपने आप को ये ऑब्जर्व करें, ये देखें कि जब हम कोई चीज़ जो स्वादिष्ट चीज़ होती है उसको खाते हैं तो हम कैसे खाते हैं। अक्सर हम नोटिस करेंगे कि हम थोड़ा सा ले लेते हैं कि हम बस इतना ही खाएंगे, लेकिन जब वो खाते हैं तो उसका स्वाद अच्छा लगता है जब तक वो जबान पे होता है। जब वो अंदर गया, अब उसका टेस्ट गया, फिर हम और ढूंढने लगते हैं कि थोड़ा और मिल जाए, थोड़ा और अच्छा टेस्ट लग जाए, जो आप बात कह रहे थे। लेकिन जब हमारे अंदर वो भाव आ जाता है, सही भाव जो हमारी सेहत स्वीकृति के आधार पर हो, तब हम जो सुख का अनुभव करते हैं, जो महसूस करते हैं अपने अंदर, वो और लंबे समय तक रहता है। जितना ये टेस्ट का सुख होता है ना, जो क्षणिक होता है, एक क्षण में खत्म हो गया, जैसे ही अंदर गया खत्म हो गया। तो अब हम भाव, सही भाव से जो हमें सुख का अनुभव होगा, वो हम देख पाएंगे जब कि ये उससे कहीं ज्यादा देर तक हमारे अंदर सुख का ना जो स्रोत है वो बन सकता है। तो फिर हम धीरे धीरे बाहर से जो एक आशा थी सुख की, वो कम होने लगती है और हम अंदर देखने लगते हैं जी। लेकिन अगर हम अपने आप को रोकने की कोशिश करेंगे कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, तो फिर हम पाएंगे कि हम सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम जब भी रोकना चाहेंगे तो वो उसमें इतना उपलब्धि नहीं हो पाती। जैसा कि अगर आप अपने मन को कहेंगे ये मत सोचो, मत सोचो, मत सोचो, तो वो मन उधर ही जाएगा। जो आपने अपने आप को रोकने की कोशिश करी, मन उधर ही जाएगा। तो उससे अच्छा है कि जो सही है उसकी तरफ हम ध्यान दें। जब हम सही की तरफ ध्यान देते हैं, जो सही नहीं है वो धीरे धीरे छूटता जाता है, हमें उसके लिए इतना जोर नहीं लगाना पड़ता। तो ऐसा नहीं है कि हम बाहर से अपने आप को बहुत खींचतानी करके हटाएं, लेकिन हम अपने अंदर ज्यादा ज्यादा ध्यान दें। जो भानु भैया कह रहे थे ना, 5 मिनट आप अपने अंदर क्या चल रहा है वो देखें, उसको एक डेली प्रैक्टिस बना दें, 5 से 10-15 मिनट करें, रोज करें, तो धीरे धीरे वो अनुभव होगा कि हमारे जो बाहर की तरफ जो इतना खिंचाव था वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। ये अपने को दिखेगा तो ही फिर वो उसका सलूशन भी दिखाई देगा। जरूर जी, धन्यवाद दीदी। धन्यवाद। हेलो जी। जी मैं सरिता दुबे बोल रही हूँ जबलपुर से। जी बताइए दीदी। मेरे मन में विचार आ जाते हैं पहले कि मेरे साथ ये गलत हो सकता है, मेरे अपनों के साथ ये हो सकता है, और वो कुछ टाइम के बाद सच में हो जाता है जी। तो आज से नहीं, कम से कम मुझे 20 साल से अनुभव है कि जब मैं 10th क्लास पढ़ रही थी तब से, मतलब मुझे लग कुछ भी लगता है कि ये ऐसा होगा और होने वाला है, तो मैं बता नहीं पाती हूँ परिवार के सदस्यों से कि बोलेंगे कि ये एक बुरा बुरा सोचती है। लेकिन जब भी मेरे साथ कुछ होता तो मुझे पहले से ही पता चल जाता कि ऐसा होने वाला है जी। ऐसे विचार आते हैं मन में, क्यों आते हैं? देखिए कुछ तो होता है कि एक सेल्फ के अंदर ये कैपेसिटी तो होती है कि ना कुछ कुछ दिखाई दे, हर एक को नहीं दिखता, किस किस को दिखाई भी देता है, लेकिन वो सही में सेल्फ को दिख रहा है या हमारी कल्पनाशीलता ज्यादा ना दौड़ रही है, और वो बात है कि क्या बात है वो तो आपको देखना पड़ेगा। लेकिन पॉसिबिलिटी तो होती है ऐसी कि हमें दिख पाए कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन अगर हम इसी पे फोकस रखें कि हम इस क्षण ना हमारे अंदर क्या चल रहा है, ना कि हम इसमें ध्यान दें कि पिछले ना पहले क्या हुआ था उसकी वजह से हम सुखी दुखी होते रहे, या आगे क्या होगा उसके बारे में हम वरी करते रहें,
एंग्शियस होते रहे, दुखी होते रहे, तो उसके बदले में अगर हम इस क्षण देख पाए कि मेरे अंदर अगर इस क्षण भाव सही है तो मैं इस क्षण तो सुखी रह ही सकता हूँ, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। जी, अभी मेरे को फ्राइडे में स्कूल जा रही थी और मुझे 5 मिनट पहले ही आया मन में कि ऐसा ना हो कि आज मैं गिर जाऊं और मुझे लग जाए, और जब मैं स्कूल से वापिस आ रही थी तो मैं भिड़ गई एक खड़ी गाड़ी से और मैं गिर गई और मेरे हाथ पैर में लग गया। जी, ऐसा भी होता है कि भाई हम अपने आप को इतना वो ना एक तरह से क्या कहना चाहिए, हम जो भी सोचते हैं फिर वो धीरे धीरे उसका जो असर होता है वो भी दिख पाता है। एक किताब है बहुत अच्छी किताब, लव मेडिसिन एंड मिरेकल्स, एक डॉक्टर है बर्नी सीगल करके, उन्होंने ये किताब लिखी है। उन्होंने बहुत से इंस्टेंसेस ऐसे बताए हैं जिसमें लोग सोचते रहते हैं कि हमें ये बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई, और सही में कुछ सालों के बाद उनको वो बीमारी हो जाती है। तो मतलब उनको हो जाती है यानी शरीर में वो बीमारी आ जाती है। तो इससे और भी ज्यादा मतलब आवश्यकता लगती है कि हम कम से कम अपनी कल्पनाशीलता में जो भी चलाएं वो तो सार्थक चलाएं, ताकि हम जो भी सोचें वो सही सोचें, एक जो अपनी सेहत स्वीकृति के आधार पर है वैसा ही सोचें, और फिर उसका असर भी शरीर के ऊपर अच्छा ही होगा क्योंकि उसका उसकी व्यवस्था में गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन जब हम ऐसे ना गलत सलत जो विचार चलाते हैं फिर उसका प्रभाव भी वैसा ही होता है शरीर के ऊपर। तो ये तो अपने अंदर ये कैपेसिटी है कि हम अपने अंदर क्या चलाएं, ये तो हमारी चॉइस है। जी, अचानक विचार क्यों आ जाते हैं ऐसे माइंड में? वही, तो अगर हम सही की तरफ ध्यान देंगे तो फिर ये जो ऐसे टाइप के विचार हैं वो कम होने लगेंगे। अभी हम सही की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, अभी हम हमें ये हो सकता है कि हमें डर बैठा हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। तो हम चाहते तो नहीं है कि वैसा हो, लेकिन हम सोचते वही रहते हैं, तो वो तो ठीक नहीं है ना। हम कम से कम अपनी सोच में तो हम सही सोच लें, जो अच्छा है वही सोचें, तो जो सही नहीं है वो धीरे धीरे छंटने लगेगा, गिरने लगेगा, फिर हमें उससे ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। जी, थैंक यू दीदी। जी।